गोला थाना क्षेत्र में एक स्कूल के प्रबंधक पर आरोप है कि उसने एक छात्रा से दुष्कर्म किया है। यही नहीं, पीड़िता का यह भी कहना है कि आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। इस मामले में पुलिस ने गोला थाने में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, पीड़िता ने बताया कि 29 जुलाई को बहन का जन्मदिन था। इसी कार्यक्रम में सिधारे स्थित एक निजी स्कूल के प्रबंधक हरिंदर यादव शामिल हुए थे। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान हरिंदर यादव ने किशोरी से कहा कि वह कल सुबह 30 जुलाई को उनके घर आ जाए। उसके बाद किशोरी ने अगले दिन ऐसा ही किया। वह हरिंदर यादव के घर पहुंची तो आरोपी उसे पीछे की ओर से घर के ऊपर बने कमरे में ले गया। इसके बाद कमरे में बंद कर आरोपी कुछ देर के लिए मौके से चला गया। वापस लौटने पर शख्स ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले की जानकारी के बाद पीड़ित परिवार वालों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। इसके बाद गोला थाने में केस दर्ज कर लिया गया। इस संबंध में SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले की शिकायत के बाद मुकदमा IPC की धारा 376 5/6 पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। मेडिकल कराने के साथ ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पीड़िता की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया था। नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, गोला में एक बालिका द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया है, जिसमें उसने बताया कि उसके स्कूल के प्रबंधक द्वारा उससे छेड़खानी की जाती रही है और उसके साथ कई बार गलत कार्य किया गया है। इस संबंध में अपराध पंजीकृत कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। सर, जो आरोपी है वो अभी फरार है? आरोपी अभी फरार है, अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और शीघ्र गिरफ्तारी करने के लिए टीम लगाई गई है।